आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों से मन कर रहा था पर मैं बना नहीं पा रही थी, तो आज मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली है। पनीर भी कट गया है और ये प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और टमाटर, और ये हैं फ्रोजन मटर जिनको मैंने बॉयल कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ खड़े मसाले जैसे जीरा, ये पत्ता और ये सब कुछ, और ये लिया है मैंने धनिया पाउडर और ये हल्दी। बस अभी इतना ही डालूंगी, उसके बाद जो भी मैं गरम मसाला डालूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले फ्राई करेंगे पनीर, क्योंकि रेस्टोरेंट में बिना फ्राई मिलता है जो मजा नहीं आता खाने में। जब खुद से बना रहे हैं तो अपने मन का बनाएंगे, देखने में कैसा दिखेगा उससे मतलब नहीं है, टेस्ट से मतलब होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले करते हैं फ्राई। ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना ही हल्का सा फ्राई करेंगे, है ना। और मैं इसको अब निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इतना ही फ्राई करना है, इसका जो थोड़ा सा कच्चापन है वो खत्म हो जाए। बस सारा ऑयल निकाल लूंगी, थोड़ा सा ऑयल बचाऊंगी, और कढ़ाई मेरी पूरी जल गई है तो उसको इग्नोर करिएगा। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये प्याज, ठीक है, प्याज डालूंगी मैं, और साथ में डाल दूंगी लहसुन और ये मिर्च डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये इसको बहुत नहीं भूनना है, बस हल्का सा सॉटे करना है। अब इसमें ऐड कर दूंगी ये टमाटर, और दोनों को थोड़ा सा भून लूंगी, और इसके बाद जब ये भून जाएंगे और इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। चलिए पीसने के बाद, जब इसको मैं पीस लूंगी उसके बाद फिर मिलते हैं, ठीक है। और ये देखिए, मैंने ये एक सेट पीस लिया है, और ये जब ऐसा हो जाए तभी पीसना है। मैंने आधा पीस लिया है, आधा और मैं पीस रही हूँ इसको। और ये देखिए, इतना आपको ऐसी ग्रेवी बनानी है ना। देखिए मैं इसमें निकाल ली हूँ, बहुत बढ़िया कलर, स्मूथ सा बिल्कुल बन जाता है ये पेस्ट। और इसका जब हम ये ग्रेवी जब ऐड करेंगे ना, बहुत यमी सा बनेगा पनीर। चलिए अभी आगे दिखाऊंगी मैं आपको। इसमें मैंने ये बड़ी वाली इलायची कूट ली है और काली मिर्च, है ना, तो इसको मैं कूट के डालूंगी। और ये मैंने वही वाला ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है, तो बस ये ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद ग्रेवी पकाएंगे। और ये अब लास्ट स्टेप है, और बन के तैयार हो जाएगा पनीर। सच कहूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मत पूछिए, मैं बिल्कुल दीवानी हूँ पनीर के। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा, और जो मैंने यहाँ पे कूट के रखा था वो सारे चीज़ इसमें डाल दूँगी, और ये पत्ता भी डाल दिया है। और ये देखिए, जो मैंने कूट के रखा था उसको भी डाल दिया है मैंने, और साथ में मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ वो पेस्ट जो मैंने पीसा है, और साथ में सारे खड़े मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये सबको अच्छे से, और ये जो हम लोग पीसने के बाद जो भी ये बर्तन में हम रखते हैं इनको भी थोड़ा सा इसी में पानी डाल के ना फिर इसमें डाल देना चाहिए। तो ग्रेवी को पकने के लिए ना थोड़ा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से बहुत अच्छी बन जाएगी। और फिर आगे देखिए, और ये देखिए ग्रेवी का कलर, अब ये जो ऑयल छोड़ रहा है ना, ये ग्रेवी का फाइनल स्टेज होता है, जब आपकी ग्रेवी अच्छी तरीके से पक चुकी होती है, है ना, यही वो बताता है कि मैं पक गया हूँ, है ना। तो अभी मैं इसको थोड़ा और पकाऊंगी, क्योंकि मुझे और ज़्यादा अच्छे से ग्रेवी पकी हुई चाहिए। तो बस ये ऐसे पकेगी और उसके बाद फिर मैं आपको उसको दिखाती हूँ ये कैसी होगी। और मैंने थोड़ी देर पहले नमक ऐड कर दिया था, है ना, और अब मैं डाल रही हूँ उसमें सारा पनीर,
तो ये सारा पनीर इसके अंदर जाएगा। और ये देखिए कितनी डिलीशियस दिख रही ना सच्ची। और ये है मटर, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालूंगी और इसको थोड़ी देर तक मैं पकाऊंगी। फाइनल लुक ग्रेवी का। और इसमें ऐड करूंगी मैं अब पानी। तो जितनी आपको गाढ़ी चाहिए या जितना भी आपको पानी चाहिए के हिसाब से ही डालें, तो बस मुझे इतनी ही थिक चाहिए। मैंने इसको बढ़िया से रोस्ट कर लिया है। और मैं पहले मैंने हाथ में लिया है, इसको मैं करूंगी ब्रश। वाह क्या खुशबू है। और ये है फाइनल लुक मेरे मटर पनीर का। और आप लोग भी आ जाइए खाने। खाना वाना खाने के बाद जब मतलब अब बेड पे जाने ही वाले थे सोने के लिए, तभी ये मुझे कुछ ला के दिए। फ्रिज में रखे हुए थे और दो दिन से रखे हुए थे, मतलब आज दूसरा दिन था, तो पूरा दिन भी गुजर गया, इनको भूल गया था मुझे देने के लिए। इतनी सुंदर सी पैकेजिंग थी, तो देखिए आप लोग क्या है। तो बस, और आज का पनीर वाकई में बहुत टेस्टी बना था। मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाती हूँ खाते समय का वीडियो, कोशिश करूँगी कभी करूँ। और ये देखिए इतने अच्छे से पैक किया है ना, पूरा पन्नी वन्नी लगा के। मेरे सब्सक्राइबर भी सोच रहे होंगे कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है क्या कि मैं मतलब कहीं से भी आप लेके आ जाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं हैबिचुअल नहीं हूँ इस चीज़ की, बस पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है मीठा पान, तो भाई इसीलिए ये यदि कहीं खाते हैं तो, वैसे खाते नहीं हैं, जब कभी खाते तो मेरे लिए ज़रूर एक पैक करा के लाते हैं, तो बस मुझे पसंद है शायद इसलिए लेके आते हैं, तो मैं इसको खाने जा रही हूँ। और मेरा एक्सप्रेशन देख के आप समझ सक रहे हैं कि कितना मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और मैं वीडियो का इन नहीं कर पाई इसके लिए सॉरी। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।